जय माता दी एवरीवन। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने सिंपल सा सूट पहना है क्योंकि साड़ी में मैनेज नहीं कर पाती। ऊपर नीचे 5th फ्लोर की बात है और बाबू भी छोटा है, सो आई थॉट कि सूट ही पहनूँ। आई होप आप लोगों को लुक पसंद आ रहा होगा। और अब बस अब छत पे जा रही हूँ, मम्मी पापा सब लोग चले गए, मैं भी जा रही हूँ लॉक करके। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी और माता रानी करे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसा माता रानी का रूप देखिएगा, आपका मन गदगद हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, जितनी खुशी से मैं ये बोल रही हूँ आपको उतनी ज़्यादा, उससे ज़्यादा खुशी होगी जब आप आगे वीडियो देखिएगा, माता रानी का रूप देखिएगा। सूर्य वृषभ राशि स्थिति, चंद्र मीन राशि स्थिति, देवी गुरु बृहस्पति यत्ते मम जन्मकुंडल्या। सो गाइज, आपने तो देखा ही कि पूजा की तैयारी हो गई थी। तो इन शॉर्ट मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारी माइन्यूट चीज़ें, कोशिश तो कर पूरी है कि इन शॉर्ट मैं आपको सारा समरी आपको बता दूँ जागरण में होता क्या है। तो हम लोग पूजा में बैठ चुके थे और कोई भी पूजा करने से पहले भगवान को याद किया जाता है, उनको बुलाया जाता है प्यार से, प्रेम से, सम्मान देकर, और पूरा भक्तिमय समा हो जाता। और हमारी माता रानी यहाँ बैठ चुकी थी, विराजमान हो चुकी थी, और हमारे लिए माता रानी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कह सकते हैं क्योंकि उनके सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं है जो कि इतना निस्वार्थ भाव से हमें प्यार करते हैं। तो यहाँ पर बस तैयारी हो गई थी माता रानी को बुलाने की, और कोई भी पूजा पाठ में पीतल के लोटे से कलश बनाया जाता है और वहाँ पर उनकी पूजा होती है और इसी तरह भगवान जी को बुलाया जाता है। तो बस पूजा अर्चना हुई और इसके बाद आपको वीडियो में देखने मिलेगा, वीडियो में बने रहिएगा कि आगे और क्या क्या चीज़ें विधि अनुसार होती हैं। मीट माई बेस्ट फ्रेंड, याद भी नहीं है कि लास्ट हम लोग कब मिले थे, लेकिन 6-7 साल पहले। उसके बाद हम लोग नहीं मिले, मेरी शादी में भी नहीं रही थी पूरा, मिल के चली गई थी भाभी जी। हाँ, इससे क्या, एग्जाम था मेरा, बेटा का एग्जाम था। कोई नहीं, बहुत दिन बाद मिले। आई लव यू रिशु, आई लव यू जेबी। रिशु कौन है? नाना जीत जीत के बगल वाले भी तो नाना ही लग रहे हैं। हेलो इतने जवान नाना। श्री ज्वाला देव्यै नमो नमः। मुँह देखे हमको टीका क्यों नहीं लगा रहे पंडित जी? हेलो अंकल, हमको टीका नहीं लगा। सो अपने प्रीवियस वीडियो में सुनी लिया हुआ कि पंडित जी ने कहा कि सारी देवी देवताओं के नाम लेकर उनको बुलाइए, और टीका लगाने के बाद पंडित जी ने कहा कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्तगण हैं, सबको टीका लगाइए। तो मैं सबको टीका लगा रही थी और बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों जागरण ऐसा है हमारे घर में कि जैसे होली, दिवाली और दशहरा हम मनाते हैं, उसी तरह हम लोग एक दिन माता रानी के नाम का वो जागरण के तौर पे एक फेस्टिवल मनाते हैं अपने घर में, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। बस माता रानी मेरे पूरे परिवार पे इसी तरह कृपा बनाए रखें, क्योंकि आपने गाना तो सुना ही होगा, बड़ी प्यारी लागे बड़ी सोनी लागे। सच में माता रानी हमें बहुत ही प्यारी, बड़ी सोनी, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कि माता रानी हमारे लिए क्या है। बस एक बार आप लोग फिर से बोलिए जयकारा श्री वालिदा बोल साचे दरबार की जय। और यहाँ पर जोत जलाने का प्रोसेस चल रहा है, और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ज्वाला माता को बुलाया जा रहा है, माता रानी के रूप में उनको बुलाया जा रहा है और ये जोत प्रज्वलित किया जा रहा है। ज्वाला मैया का आगमन है, लेकिन भैया के घर में फिर से एक बार, और मुझे लग रहा है कि करीब 3 साल के बाद हम सभी मिल रहे हैं। कोरोना के पहले माँ का दरबार इस घर में सजा था, जिसमें हम सभी ने अपनी अपनी हाजिरी लगाई थी। कई दिन
तीन साल के बाद मिल रहे हैं। आइए सबके मन की मुरादें पूरी हो। आप हम सभी मिलकर गणेश जी को मनाएं भजनों के माध्यम से, ताकि हमारा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। बोलिए गणपति महाराज की। की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं अरदास माँ से मांगने की एक विधा कि जब भी हम माँ के दरबार जाते हैं, माँ के लिए नारियल चुन्नी पान सुपारी लौंग इलायची रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है लेके माँ के चरणों में भेंट उपस्थित होते हैं और माँ से प्रार्थना करते कि हे माँ, ये अरदास मैं अमुक कामना के लिए तुम्हारे चरणों में कर रहा हूँ या कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले विपिन भैया अपने धर्मपत्नी के साथ जिन्होंने माँ को आमंत्रित किया है, उनके तरफ से नारियल चुन्नी और लौंग इलायची पान सुपारी साथ ही साथ 1100 रुपए से अरदास हो रही है। माँ से क्या मांगेंगे विपिन भैया के लिए और इनके पूरे परिवार के लिए, साथ ही साथ जो भी माँ के दरबार में बैठे हैं सबों के लिए। देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रोजहि सर्वावाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुमान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति। इसी प्रकार से जो भी भक्त तेरे चरणों में अरदास लेके उपस्थित हो रहे हमारे की तीन बार जोर से दिखा के सामने ऋतुराज और उनके परिवार की ओर से मैया रानी सदा और ये हमारे विपिन भैया पुत्री और दामाद जी इनके तरफ से ये अरदास साथ में नाता भी है। जय सौ उनकी तरफ से भी अरदास है। महारानी सदा बड़ा सुख बनाए रखे सदा धन्यवाद की अरदास मैया रानी सदैव आपके जीवन में जीत का ही सुख चखाए आपको मैया रानी आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करे। की अरदास लगाम की शरण
मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि अरदास का मतलब क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस क्लिप में आपने देखा कि पंडित ने बहुत ही सरलता से आपको एक्सप्लेन किया कि अरदास क्या होता है। तो सारे भक्तगण वहाँ पर अरदास के लिए जाने लगे दरबार में, और सब अपनी अपनी मनोकामनाएँ लेकर माता रानी के पास मत्था टेकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, मेरे मम्मी पापा, स्पेशली मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब कभी हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं या फिर माता रानी का दरबार लगता है। तो आई डोंट नो वो क्या फ़ील करते हैं, बट जैसा पंडित जी ने बताया कि अगर आपकी आंखें भर आती हैं भगवान के सामने, माता रानी के सामने, इसका मतलब है कि आपको साक्षात दर्शन हो रहे हैं भगवान के, वो आपके घर आ रहे हैं। तो बस मैं चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा, मेरे मायका, ससुराल सब परिपूर्ण रहे, खुश रहे, अच्छी अच्छा जीवन रहे सबका। पूजा के बीच हमारी थोड़ी बहुत मस्ती, हम सारे कज़न्स काफ़ी टाइम बाद मिले, और इन सब की मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, लेकिन ये सारे मेरे टांग खींचने में एकदम आगे रहते हैं। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी, शादी से पहले की बात है। मैं काफ़ी मिरर देखा करती थी, आई डोंट नो वाई, तो ये मनन इसका नाम है, ये बोलता था कि दीदी इतना मत देखा करो, कांच टूट जाएगा। तो बस इन सब चीज़ों को याद करके हम लोग अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। ओके गाइस, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये बात हम लोगों के बारे में हो रही है, जागरण करते करते दो बच्चा हो गया, हम दो से हमारे दो हो गए हैं। राइट राइट, तुम भी दो हो जाओ। बोलिए सच्चे दरबार की जय, ज्वाला मैया की। और जो भजन के बीच में मोबाइल चलाए, इस पापी से भी पापी को भाव सिंह उतारी हो, पसी मझधार में नैया को I'm not afraid of the dark.
एकाग्र करें माँ के चरणों की ओर, क्योंकि जब तक माँ के चरणों में आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा, कीर्तन में बैठने से कोई फायदा नहीं होगा, नहीं होगा। बोलिए सच्चे दरबार की ज्वाला मैया की, वैष्णो मैया की। ऐसा तो नहीं कि जागरण करा लिया, खाना अपने घर जाके खाना पड़े भाई, प्रसाद की संपूर्ण व्यवस्था है। कीर्तन के बाद भर पेट भोजन करके आप लोग यहाँ पे प्रस्थान करेंगे। आइए दरबार की सजावट के लिए एक मैं सबसे पहले कहना सा भजन सुनूंगी।